नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एपीएससी विद केके। आज है 26 जुलाई 2020 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको डेली इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की बिना समय गवाए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वाधीनता संग्राम पर ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है संस्कृति विभाग द्वारा, जनसंपर्क मंत्रालय द्वारा, आनंद मंत्रालय द्वारा या ग्रामीण पंचायत मंत्रालय द्वारा। तो आपका राइट आंसर है संस्कृति विभाग द्वारा। जी हाँ, स्वाधीनता पर जो स्वाधीनता संग्राम था उस पर ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है। क्या है पूरा मैटर यहाँ पर देखते हैं। स्वाधीनता संग्राम पर ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेंगे विद्यार्थी नागरिक, ऑनलाइन प्रविष्टि 10 अगस्त तक आमंत्रित। तो प्रदेश के युवाओं, विद्यार्थियों एवं बच्चों में स्वाधीनता संग्राम के प्रति जागरूकता लाने के लिए संस्कृत विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यालयीन एवं स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए फोटो क्विज एवं स्लोगन लेखन प्रतियोगिता होगी। इसी प्रकार दो अन्य श्रेणी कविता लेखन एवं देशभक्ति रचना की संगीतमय प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगियों के लिए ऑनलाइन प्रविष्टि MPMY गवर्नमेंट इन पर 10 अगस्त तक भेजी जा सकेंगी। इसके आगे क्या है और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है, क्या है इसके अंतर्गत, किसके द्वारा यह लागू की जा रही है? जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, संस्कृति विभाग द्वारा यह लॉन्च की गई है। तो यहाँ पर हमें देखना जरूरी होगा संस्कृति मंत्रालय है कौन। तो हमारे संस्कृति मंत्री हैं सुश्री उषा ठाकुर जी हैं। तो इन्होंने बताया कि विभाग द्वारा आयोजित इन प्रतियोगिताओं में 48 विजेताओं के लिए 179,000 के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। तो हमारे हमें यहाँ पर याद रखना है कि स्वतंत्रता आंदोलन पर ऑनलाइन कुछ कौन आयोजित कर रहा है, संस्कृति विभाग। एंड द सेकंड पॉइंट इज कौन है हमारी संस्कृत मंत्री, तो श्रीमती श्री उषा ठाकरे जी हैं, उषा ठाकुर जी। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फेसबुक लाइव के माध्यम से कौन शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से संपर्क करेगा? आपके ऑप्शन है श्रीमती समी, ऑप्शन नंबर 2 इमरती देवी, ऑप्शन नंबर 3 यशोधरा राजे, ऑप्शन नंबर 4 शिवराज सिंह चौहान। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 श्रीमती समी। जी हाँ, यह मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की सचिव हैं तथा मध्य प्रदेश के कर्मचारी जो भी शिक्षा विभाग से रिलेटिव कर्मचारी हैं, ग्रास रूट लेवल से लेकर अपर हायर हायरार्की तक, सभी से यह करेंगी संपर्क, वो भी फेसबुक लाइव के माध्यम से। क्या है पूरी न्यूज़ देखते हैं। मुख्य सचिव स्कूल विभाग शिक्षा की है मुख्य सचिव है श्रीमती समी, फेसबुक लाइव के माध्यम से मैदानी अमले से करेंगी चर्चा। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे जो और ऑप्शन है इनको जरा गौर से देखिए, जैसे कि श्रीमती इमरती देवी यह महिला बाल विकास मंत्री है मध्य प्रदेश की, यशोधरा राजे यह शिक्षा मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान जैसा कि सभी को मालूम है मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो स्कूल सचिव, स्कूल शिक्षा समिति की सचिव हैं यह श्रीमती समी, इन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से मैदानी जो अमला है उससे करेंगी ये चर्चा। तो देखिए क्या है पूरा, स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों एवं प्राथमिकताओं पर 27 जुलाई सोमवार से सुबह 11 बजे से फेसबुक लाइव के माध्यम से चर्चा की जाएगी। फेसबुक लाइव में प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके इनके साथ अरुण समी वरिष्ठ अधिकारी एवं विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। फेसबुक लाइव में शिक्षकों एवं अन्य मैदानी सहयोगों को जोड़ा जाएगा, जिससे वे विभागीय गतिविधियों एवं प्राथमिकताओं से सीधे परिचित हो चुके हैं। जैसा कि सभी को मालूम है शिक्षा विभाग से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देना चाहूंगा कि 31 जुलाई तक मध्य प्रदेश में स्कूल खुलने पर रोक है। इसके साथ देखते हैं आगे क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा कहा गया मेरे संपर्क में आए लोग कोरोना वायरस की जांच कराएं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि सभी को मालूम है और काफ़ी दुख भरी खबर है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं।
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वह तो एक सार्वजनिक व्यक्ति है तथा उनकी मजबूरी होती है कि वो समाज में जाएं तथा लोगों से मिलें, परंतु अगर हो सके हमारी यही कोशिश होना चाहिए कि हम लोग जो आम नागरिक हैं हमें अधिक से अधिक सोशल गैदरिंग से बचना चाहिए। यह एक अलार्म है उन सब व्यक्तियों के लिए जो सोचते हैं कि कोरोना हमें नहीं हो सकता। तो यह इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ कुछ इम्पोर्टेंट सतर्कता एवं जानकारी बरतने का समय है और यह काफ़ी जो कहा जाए पैंडमिक का समय है, महामारी का समय है, जो इससे बच के निकल गया वही सच में बहादुर तथा बुद्धिमान है। तो चलिए कोरोना वायरस की जब बात आ गई है तो कोरोना वायरस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जैसे कि जीवन ज्योति योजना शुरू की गई थी, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को मास्क निर्माण का कार्य दिया गया था। सेकेंड इज द पॉइंट दैट मध्य प्रदेश में कितनी कोरोना वायरस लैबें कार्य कर रही हैं, तो लगभग 27 कोरोना वायरस लैब प्रेजेंट में कार्य कर रही हैं मध्य प्रदेश में। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कोरोना वायरस से संबंधित आता है कि जो कोरोना वायरस की ग्रोथ रेट है उसमें सबसे निचले स्तर पर हम लोग आ चुके हैं। पहले हम लोग फोर्थ नंबर पर थे और अब धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं इस हफ्ते की रैंक में। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आग्रह किया उनके संपर्क में आए लोग कराएं कोरोना टेस्ट, घबराने की आवश्यकता नहीं, उपचार है आसान। इसके बाद देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैं कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहा हूं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार क्वारंटीन रहूंगा और इलाज भी कराऊंगा। यहां पर अब क्वेश्चन उपलब्ध आता है कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन संभालेगा इस कार्य को और संविधान में क्या प्रावधान है। संविधान में एक तो प्रावधान है जो एक तरीके से संविधान में डायरेक्ट मेंशन नहीं है, परंतु मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री अगर है उस राज्य में तो नहीं तो गृह मंत्री कार्य देखता है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया कोई अन्य व्यक्ति, तो अब मध्य प्रदेश में जो भी प्रशासनिक गतिविधियां होंगी, जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए इस कोरोना वायरस की महामारी में माननीय मुख्यमंत्री जी डेली बेसिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो हमारा पूरा मध्य प्रदेश है उसके विभिन्न जो हाई लेवल के अफसर हैं उनके साथ मीटिंग करते थे और पर डे रिपोर्ट कलेक्ट करते थे। तो अब यह सब कार्य कौन करेगा, तो इसका जवाब आपको यहाँ पर मिलता है। ये देखिए, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेरे द्वारा मुख्यमंत्री का पद बाहर ग्रहण करते ही प्रतिदिन कोरोना की समीक्षा बैठक ली जाती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रतिदिन यह बैठक होती थी और मैं यथासंभव अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना की समीक्षा करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि अभी भी मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और यथासंभव अगर आगे भी मैं इस तरीके से स्वस्थ रहता हूँ तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सब मीटिंग अटेंड करूंगा और मेरी अनुपस्थिति में यह बैठक माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तथा इनके द्वारा कुछ लोग और नियुक्त किए गए हैं, जैसे नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय विश्वास सारंग तथा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी करेंगे। तो यहां पर हमारे काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्लियर होते हैं। जैसे मंत्रालय से आपको मालूम होना चाहिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। यह कहां से आते हैं, यह सांची सीट से आते हैं, रायसेन की। इसके बाद सेकंड देखिए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है, विश्वास सारंग। इसके बाद देखिए, नगरीय विकास मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रदेश में 36,86,000 हितग्राहियों की बनेगी खाद्यान्न पर्ची, यह आदेश किसके द्वारा दिया गया। आपके ऑप्शन है विशाल लाल, सेकंड ऑप्शन है बिसाहू सिंह और नरोत्तम मिश्रा एंड थर्ड फोर्थ इज मुख्यमंत्री। तो आपका राइट आंसर है बिसाहू लाल सिंह साहू जी ने यह आदेश दिया है कि प्रदेश में 36,86,000 हितग्राहियों की बनेगी खाद्यान्न पर्ची और उन्हें दिया जाएगा खाद्यान्न। यह क्यों आदेश दिया गया है, क्योंकि जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए कोरोना वायरस महामारी में काफ़ी अधिक जो असर हुआ है हमारे निचले तबके के गरीब एवं प्रवासी मजदूरों पर इफेक्ट पड़ा है और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पात्रता रखते हैं राशन की परंतु उनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो इस तरीके की पर्चियों के माध्यम से उन्हें राशन प्रोवाइड किया जाएगा जिन्हें एक्चुअली राशन की आवश्यकता है। क्या है पूरा, यहाँ पर हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में 36,86,000 हितग्राहियों की बनेगी खाद्यान्न पर्ची, खाद्यान्न मंत्री बिसाहू लाल जी ने कहा। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि यह हमारे खाद्यान्न मंत्री भी हैं। खाद्यान्न एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह जी ने कहा कि निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के लिए प्रदेश में 36,86,000 मजदूरों के लिए अगस्त माह में खाद्यान्न पर्ची बनाई जाएगी। ये हितग्राही निःशुल्क राशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं परंतु खाद्यान्न पर्ची ना होने के कारण इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। खाद्यान्न मंत्री श्री सह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं।
इसी के साथ हमारा आज का लगभग करंट अफेयर खत्म होता है। जैसा कि सभी को मालूम है, हम लोग डेली बेसिस पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि झंडा सत्याग्रह के दौरान प्रथम जो मध्य प्रदेश से कौन थी महिला जिन्होंने अपने अरेस्ट हुई थी, गिरफ्तारी दी थी, तो उसका राइट आंसर है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान थी। इन्होंने प्रथम गिरफ्तारी दी थी। और आज फिर आपका स्वतंत्रता संबंध आंदोलन से संबंधित एक और क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ। कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन काफी इंपॉर्टेंट और काफी फेमस सम्मेलन था, ये मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था और इसका सन भी बताएं। तो प्लीज इससे रिलेटिव और भी इंफॉर्मेशन, क्यों ये इतना ज्यादा फेमस है, क्योंकि इसने काफी बड़ा एक चेंजिंग इंडियन स्वतंत्रता संग्राम में दी थी, यह भी आप देखेंगे। तो आप इसका जरूर आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर, जिस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश का स्ट्रेटेजीएस, तो हमने लगभग मध्य प्रदेश के पूरे पर्वत, मध्य प्रदेश के प्रमुख जो भी साहित्यकार थे वो डिस्कस कर लिए। और अब हमारी नेक्स्ट सीरीज शुरू होने जा रही है मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, और इनमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नियाग्रा जलप्रपात के उपनाम से जिसे कहा जाता है भारत का नियाग्रा जलप्रपात, और मध्य प्रदेश का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है चचाई जलप्रपात। चलिए देखते हैं क्या है चचाई जलप्रपात। मध्य प्रदेश में खूबसूरत पर्यटक स्थानों में से एक है। यह एक प्राकृतिक एवं गोलाकार जलप्रपात है। इसकी खासियत यह है कि यह प्राकृतिक रूप से गोलाकार आकृति लिए हुए है। इस प्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था उपनाम इसका नियाग्रा भी कहते हैं। काफी बार क्वेश्चन आया है कि नियाग्रा जलप्रपात की संधि किसे दी जाती है, तो उसका राइट आंसर है आपका चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात रीवा मध्य प्रदेश के उत्तर की ओर 42 किलोमीटर दूरी पर सिरमौर तहसील में स्थित है। यह प्रपात बीहड़ नदी, काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर फैक्ट, बीहड़ नदी द्वारा निर्मित होता है। और यह एक खूबसूरत और आकर्षक जलप्रपात है जो लगभग 115 मीटर गहरा एवं 175 मीटर चौड़ा है। बीहड़ नदी में एक मनोरम घाटी में गिरने से यह प्रपात बनता है और यह एक प्राकृतिक एवं गोलाकार जलप्रपात है। इसी के साथ हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।